સહેવાસ નજીકના દાદરા ગેસ્ટ હાઉસમાં થયેલી એક યુવકની હત્યાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે. વાપીના ચણોદ ખાતે રહેતા રાજવીર ચૌધરી નામના આંધેડે દાદરા ખાતે આવેલ સાઈ ગેસ્ટ હાઉસમાં રૂમ ભાડે લીધો હતો, જોકે બાદમાં તેની રહસ્યમય સંજોગોમાં લાશ મળી આવી હતી. આ પ્રકરણમાં પોલીસ તપાસ દરમિયાન મૃતક રાજવીર ચૌધરી અને તેના મિત્ર રોહન એક સાથે બિયર પીધા બાદ થયેલા ઝઘડામાં રોહને તેની હત્યા કરી નાખી હતી. આ અંગે વધુ તપાસ સહેવાસ પોલીસ કરી રહી છે. जनवरी को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि साही भोजनालय जो दादरा उड़पी के ऑपोजिट स्थित है वहाँ पे कोई खून हुआ है. तो जब पुलिस वहाँ पहुँची और प्राइमरी पूछताछ वहाँ पे हुई तो ये पता चला कि राजवीर चौधरी नाम के व्यक्ति जो वापी के रहने वाले हैं, जिनका ऑक्यूपेशन ट्रांसपोर्टर है वापी में ही, उनकी वहाँ पे डेथ हुई है स्टैब इंजुरी से. तो पुलिस ने उसके बाद BBFIR रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 392 एंड 302 ऑफ IPC. उसके बाद इस क्राइम की सीरियसनेस को देखते हुए हमारे प्रदेश के DIGP श्रीजीत सर इनके मार्गदर्शन में 4 टीमों का तुरंत गठन किया गया, जिनका नेतृत्व SDPO मनस्वी जैन, SHO सिलवासा पुलिस स्टेशन सेबेस्टियन, OP दादरा कयास और सब इंस्पेक्टर लोगिया, इनके अलावा अलग अलग टास्क लिए गए. मोबाइल सर्वेलेंस, CCTV फुटेज एरिया के पूरे सर्च करना और ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर का, और लगभग 2 दिन के प्रयास के बाद आज हमने एक अक्यूज इन सारे सबूतों को देखते हुए CCTV फुटेज, मोबाइल ट्रैकिंग, इस सब के आधार पर एक अक्यूज हमने आज पकड़ा है, जिसका नाम रोहन दिलीप पटेल, जो दादरा का रहने वाला है और जिसने ये कबूल भी किया है और सारे अवेलेबल सबूतों से वो कॉरपोरेट भी हो रहा है. उसको आज हमने पकड़ा है. फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस इज अंडर प्रोसेस. सर उसने क्या रहा क्यों का ये मर्डर करने का मोटिव? मर्डर का मोटिव क्या था सर? अभी जो राजवीर चौधरी है उनके पास पूरा पर्स, उनका मोबाइल और उनके बॉडी पे से रिंग्स और गोल्ड चेन सारा वहाँ से निकाल लिया गया था. तो हम अभी यही तफ्तीश कर रहे हैं. ये सारा लूटपाट का मोटिव अभी तक सामने आया है, बट स्टिल वी आर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू एनी अदर एंगल्स इफ एट ऑल. सर ये रोहन है, उसका कुछ पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं. चाकू उसने मोस्टली यूज किया होगा, जिस तरह की साइज की जो इंजुरीज लग रही है तो मोस्टली नाइफ उसने यूज किया है. सर मर्डर वेपन मिल गया? अभी तक नहीं मिला है, अभी हम उसकी सर्च कर रहे हैं. जो एप्पल बार है वहाँ पे उन दोनों ने मिलकर बियर खरीदी है और वो एक जगह से जाते हुए दिख रहे हैं, और जो साही भोजनालय है वहाँ पे भी वो दोनों एंटर करते हुए दिख रहे हैं, और वहीं पे साही भोजनालय के ऊपर वाले एक रूम पे उन्होंने बैठ के दारू पी और वहीं फिर राजवीर का डेथ हुआ है. तो उनके साथ जो एक्यूज है और जो जिसका मर्डर हुआ है उनके साथ क्या किसी तरह का रिलेशनशिप थे या उनको एक दूसरे को जानते थे? वो एक साल से एक दूसरे को जानते भी है, बट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैड ये अभी का पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सर ऊपर रूम था, गेस्ट हाउस था, क्या था वो? मतलब वहाँ पे कोई रजिस्टर ऐसा गेस्ट हाउस तो है नहीं, बट एक स्टोर रूम टाइप बना हुआ है, उसमें वो लोगों ने बियर वगैरह दी है. सर इसमें दो चीजें क्लियर नहीं हुई, एक क्रिमिनल हिस्ट्री और क्रिमिनल क्राइम मोटिव. तो इन्वेस्टिगेशन में जो एक चीज पकड़ा गया है, क्या उन्होंने प्राइमरी ये नहीं बताया कि हमने इसके लिए मर्डर किया? ये तो फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन का है. दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एवरीथिंग कैन नॉट बी डिस्क्लोज हियर. दैट स्टिल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सर
इसने सारा पैसा रिंग गोल्ड चेन वगैरह लेके वहां से भागा है तो प्राइमरी मोटिव यही लग रहा है वी आर लुकिंग इनटू अदर एंगल्स आल्सो बट वी हैवंट कम टू कंक्लूजन एज इट सो वी आर नॉट सेइंग एनी मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो भी एंगल हम उसको अभी चेक कर रहे हैं कि क्यों उसके कपड़े निकले हुए थे क्या एग्जैक्टली वो मैटर था उसके रिगार्डिंग हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम सभी लोगों से इसमें जितने भी एंगल्स इन्वॉल्व है सभी से पूछताछ कर रहे हैं सभी से कुछ ना कुछ निकल के आएगा बट व्हाट वी हैव कम सो फार दैट आई हैव पुट बिफोर यू आए हैं कोई अकम्पलिस अभी इसमें उनके साथ कोई था ये कह पाना मुश्किल है नहीं था ये भी कह पाना मुश्किल बट जितना सीसीटीवी फुटेज हमने देखा हुआ है वो डिजीज और ये एक्यूज दोनों ही साथ में जा रहे हैं